और इस जलती तपती धूप में वनीला आइसक्रीम मिल जावे तो गर्मी में मजा आ जावे। लेकिन बाहर नहीं जाएंगे, घर में ही बनाएंगे वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए एक कप क्रीम हम इस जार में डालेंगे और इसको 40 सेकंड के लिए चला देंगे। ये 40 सेकंड हो गए और क्रीम हमारी बेक हो गई है। अब इसको मैं एक बोल में निकाल लेते हैं। क्रीम को हम थोड़ा सा चला लेते हैं। अब मिक्स करेंगे इसमें एक कप मिल्क मेड। इसको आपस में मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच वनीला एसेंस इसमें मिक्स करेंगे और इसको मिला लेंगे। ये आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार हो गया। अब एक बोल लेंगे और इसमें इसको डाल देंगे। इसको बटर पेपर से कवर करेंगे इसलिए कि इसमें बर्फ नहीं जमे। इस तरीके से और इसको फॉइल पेपर से अच्छी तरीके से बिल्कुल बंद कर देंगे और 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 8 घंटे पूरे हो गए। अब आइए आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। आइसक्रीम हमारी जम गई है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। आइए आइसक्रीम को थोड़ा गार्निश कर देते हैं। ये हनी है और ये चॉकलेट सिरप। तो लीजिए, घर पर बनकर तैयार हो गई वनीला आइसक्रीम।